Hello children, now in this video we will discuss what are hydrocarbons. In class 11th, hydrocarbon is unit number 13. Okay, unit number 13, they are called as what? Hydrocarbons. आपने 10th क्लास में 4th चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और वहां पर मेजरली कार्बन को ध्यान में रखते हुए कार्बन के कंपाउंड्स में आपको हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ाए गए थे, मगर वहां पर आपने जो है बहुत डिटेलिंग नहीं पढ़ी, इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. अब यहां पर आपको वही चैप्टर फिर से आया है जो आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था, वही फिर से रिपीट है मगर थोड़ा और एग्जैजरेटेड एक्सप्लेन्ड वे में. सो हाइड्रोकार्बन वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो एंड कार्बन. सो हाइड्रो केम फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन एज इट इज. सो द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू ड्राफ्ट द डेफिनेशन देन वॉट आर हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द कंपाउंड्स which are made up of only carbon and hydrogen, right? Elements. Only they are made up of carbon and hydrogen elements. So they will be called as hydrocarbons. ठीक है, hydrocarbons किससे बने होते हैं? सिर्फ carbon और hydrogen से. Okay? Now if we talk about the classification of hydrocarbons, काफी जो है detailed classification है, that is not a small classification, बहुत detailed classification है. If we talk about the broad classification of hydrocarbons, तो broad classification में if we classify hydrocarbons broadly, तो हम hydrocarbons को बोल सकते हैं कि वो दो तरह के होते हैं. पहले होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन. क्लोज्ड चेन या क्लोज्ड चेन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है. नाउ बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्लासिफिकेशन इतना छोटा नहीं है, इट्स अ वेरी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है. सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ए साइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, राइट. और क्लोज्ड चेन जिन्हें हम साइक्लिक भी कहते हैं, ये भी फिर आगे दो तरह के होते हैं. सो लेट अस सी द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन. सो वी विल मेक अ फ्लो चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन. एज आई सेड, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ओपन चेन या क्लोज्ड चेन दो तरह से होंगे, तो ध्यान दें. सो नाउ यू सी हाइड्रोकार्बन्स में आपने बोला कि ओपन चेन, ओपन चेन को आप एसाइक्लिक भी कह सकते हैं या आप इन्हें एलिफेटिक भी कह सकते हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं. सो ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक, यूजुअली जो हम कॉमन वर्ड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है वर्ड एलिफेटिक. ठीक है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं? तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन चेन में लिखी होती है, ठीक है, सिंपली ऐसे CH3CH2 ऐसे चेन्स होती हैं, इन्हें एलिफैटिक कहा जाता है. ठीक है, फिर दूसरा टाइप जो है हाइड्रोकार्बन्स का वो है कार्बोसाइक्लिक्स. इनको जो है क्लोज्ड चेन को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, कार्बोसाइक्लिक और जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, इन्हें हम कार्बोसाइक्लिक या सिर्फ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि एलिफैटिक आपने लास्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ा था, इन एलिफैटिक को भी हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, ये जो ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन भी दो तरह से हो सकता है. ठीक है,
वैसे तो बुक ऐसा लिखती है कि तीनों को एक ही में लिख दिया है, बट इफ आई क्लासीफाई आई विल क्लासीफाई देम एज इन टू टाइप्स. पहले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होंगे अनसैचुरेटेड. ये आप पढ़ चुके हैं क्लास टेंथ में. क्लास टेंथ में आपने पढ़ लिया सैचुरेटेड में आता है एल्कीन, एल्कीन, और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन यानी डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, सो एल्कीन, एल्कीन एंड एल्काइन. सो एल्केन्स आर इन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स. आई रिपीट, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज एल्केन्स. अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मे बी एल्कीन एंड एल्काइन. ओके, तो ये हाइड्रोकार्बन्स का एलिफैटिक क्लासिफिकेशन खत्म होता है कि एलिफैटिक जो है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये एलिफैटिक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा जिसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ कार्बोसाइक्लिक या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को भी फिर से हम दो और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट. पहला जो टाइप है वो एलीसाइक्लिक, एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. एंड दूसरा है एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमैटिक. यूजुअली जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा हम एलिफैटिक वर्ड यूज करते हैं जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं. उसके बाद हम साइक्लिक में से अधिकतर एरोमेटिक पढ़ते हैं. ठीक है, ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है, बट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो आई विल कंप्लीट इट. एलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को भी जैसे आप एलिफैटिक को एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही एलीसाइक्लिक को भी आप तीन तरह से बोल सकते हैं. दे आर ऑल्सो फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स. साइक्लो, सिर्फ मैं आपको बताती हूं, यही लिख लें, एल्केन लिख लें, वापस एल्कीन लिख लें और वापस अल्काइन लिख लें, और इस सब के आगे साइक्लो वर्ड यूज कर लें क्योंकि साइक्लिक है. सो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, इसमें जो है रिंग बंद होगी. ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर आपने लिखा है CH3, CH2, CH3, तो ये हो गया एलिफैटिक एल्केन. ठीक है, सारे स्ट्रेट लाइन में लिखे हुए हैं, चेन में लिखे हुए हैं. इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन लगभग सेम रहेंगे. ठीक है, और अगर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, नॉट एग्जैक्टली सेम विल बी द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन क्योंकि रिंग बंद हो रही है, तो ये देखें ये साइक्लो एल्केन कहलाएगा. तो क्योंकि इसमें रिंग बंद हो गई इसलिए साइक्लो एल्केन. तो यही अंतर होता है इनमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, ऐसे ही आप साइक्लो ब्यूटेन बना सकते हैं, उसमें आप एक स्क्वायर बना लें, उसके चारों तरफ CH2 CH2 लिख लें. तो ऐसा बस इतना सा डिफरेंस है चेन एलिफैटिक एल्केन और एरोमेटिक साइक्लो एल्केन्स में. हालांकि हमें इसमें से मेजर जो पार्ट पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि एलिफैटिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद एरोमेटिक सिलेबस में है, इनको बहुत ज्यादा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि इतना आपको क्लियर है. और एरोमेटिक का एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल होता है बेंजीन. तो बेंजीन एरोमेटिक की मदर है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की मदर है, उसी से जो है बाकी के एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो पैदा होते हैं. सो आई होप इतना आपको क्लियर है. नाउ वी विल टॉक फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द एल्केन्स. सो एल्केन्स विल बी द फर्स्ट टॉपिक आफ्टर द क्लासिफिकेशन टू बी स्टडीड. So, thank you for watching.